बहन श्रुति जी के लिए पूरी भिवानी की जनता जोर शोर से आई हुई है, पूरी ताकत लगा के आई हुई है। अगर कांग्रेस की माने की बीजेपी जा रही है तो बड़ा सवाल उठता है कि सीएम कौन होगा, तो लगता उड़ा किरण शैलजा रणदीप कौन होगा। कोई पूरा नहीं हुआ, सिर्फ धर्म को धर्म से लड़ाया जा रहा है, जाति को जाति से लड़ाया जा रहा है। हाँ, भिवानी की चौधरी दोबारा आएगी, कौन लेके आएगा? ये किरण चौधरी ले आएगी और कोई नहीं। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, शैलजा वो भी लाइन में, वो भी कहते कि हम सीएम बनेंगे। नहीं, किरण चौधरी ले आएगी, भिवानी में तो चौधरी किरण चौधरी की होगी। अगले साल होने वाले चुनाव को लेकर हर पार्टी जो है जोर आजमाइश कर रही है। बात करें कांग्रेस की तो कांग्रेस में अलग अलग धड़े जो है अपना प्रचार कर रहे हैं, जनता की आवाज उठाने के बहाने धरने प्रदर्शन और रैली की जा रही है। आप देख सकते हैं कि आज भिवानी में जो है SRK यानी कि कांग्रेस की जो तिगड़ी है, शैलजा रणदीप और किरण, उनके द्वारा एक विरोध प्रदर्शन का यहाँ पर ऐलान किया जा रहा है। उसको लेकर फिलहाल जो है भिवानी के किरोड़ी मल पार्क में जो है हजारों की संख्या में भीड़ जुट रही है। ऐसे में जो भीड़ आई है उससे हम बात करेंगे। जी, क्या कहेंगे, जो भीड़ है क्या मानते हैं जिस उम्मीद के साथ नेताओं ने जोर लगाया था भीड़ आई है? देखिए भाई साहब, आज जो जन विरोध प्रदर्शन है बहन श्रुति जी के लिए, पूरी भिवानी की जनता जोर शोर से आई हुई है, पूरी ताकत लगा के आई हुई है। तो क्या लगता है कि दूसरे गुट भी जो है हुड्डा गुट है वो भी आंदोलन कर रहा है, तो रैलियां कर रहा है, अलग अलग गुट से कांग्रेस ये धरना प्रदर्शन कर रही है, एक दूसरे का शक्ति प्रदर्शन माना जा रहा है कि एक दूसरे के विरोध में? देखिए भाई साहब, ये कोई विरोध नहीं है। भिवानी महेंद्रगढ़ क्षेत्र है, बहन श्रुति का गृह क्षेत्र है और ये सब लोग परेशान है, चाहे फैमिली आईडी से, भ्रष्टाचार से, CET से, PPP से, इन सब चीजों से ये लोग परेशान है। तो बहन श्रुति आज भिवानी महेंद्रगढ़ की आवाज बनकर उनकी भावनाओं के अनुरूप आज सरकार को चेता रही है, क्योंकि सरकार जाती हुई सरकार है और हमारे हिंदू धर्म में कहते हैं कि जो आदमी जाता है उस समय अच्छे काम करके जाता है, तो इनका जाने का समय आ गया है और बहन श्रुति कह रही है कि अब अच्छे काम कर दीजिए ताकि जनता आपको कभी याद कर ले। अगर कांग्रेस की माने की बीजेपी जा रही है तो बड़ा सवाल उठता है कि सीएम कौन होगा, तो लगता हुड्डा किरण शैलजा रणदीप कौन होगा? देखिए भाई साहब, हम सब हैं वोटर, हम कांग्रेस पार्टी में आस्था रखते हैं, मैडम किरण चौधरी में आस्था रखते हैं। मुख्यमंत्री का काम बनाना हाईकमान का काम है, वो मुख्यमंत्री बनाए, हम कांग्रेस पार्टी को बहन श्रुति को 2024 में सांसद बना के दिल्ली भेज देंगे। भिवानी की चौधरी होती थी कई सालों तक चौधरी, तो लगता है किरण चौधरी भिवानी की चौधरी ला पाएंगे? देखिए भाई साहब, हमेशा से भिवानी महेंद्रगढ़ मैडम किरण चौधरी का परिवार रहा है और परिवार के लिए, आम जनता के लिए, हरियाणा के लिए मैडम किरण चौधरी हमेशा लड़ती रही है, लगातार लड़ती रहेंगी और आने वाला समय बहुत सुखद समय है और भिवानी महेंद्रगढ़ का हरियाणा में नाम होने वाला है। यानी कि अभी खुलासा नहीं कर पा रहे जी, क्या कहेंगे भिवानी की जनता, क्या चाहती है? भिवानी की जनता परिवर्तन चाहती है। किस प्रकार का परिवर्तन? ये हमारे स्टेट लेवल का परिवर्तन, कांग्रेस की जो सरकार आए और दुनिया जो हरियाणा की जनता है उनकी भावनाओं के अनुरूप। तो बीजेपी जो है वो तरह तरह के वादे करती है, दावे करती है कि घोषणा नौकरी को लेकर और चीजों को लेकर, तो क्या लगता है कि वो वादे पूरे हुए? वादा कोई पूरा नहीं हुआ, सिर्फ धर्म को धर्म से लड़ाया जा रहा है, जाति को जाति से लड़ाया जा रहा है, यहाँ वादा पूरा करने की बात ही नहीं हो रही थी। तो क्या लगता है कि भिवानी की चौधरी किरण चौधरी वापस ले पाएंगे? चौधरी तो ये कांग्रेस की वाणी है और उसमें किरण चौधरी का भी अपना एक महत्व है, वो हाईकमान के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किसके हाथ में चौधरी देते हैं, हमारा काम है वोट डालना। वोट डालना कांग्रेस जी, आप बताएंगे क्या लगता है कि सदियों से जो है भिवानी की चौधरी रही है, बंसीलाल का राज रहा है, बीडी गुप्ता यहाँ से सीएम रहे हैं, तो क्या दोबारा भिवानी से कोई सीएम बनेगा? हाँ, भिवानी की चौधरी दोबारा आएगी, कौन लेके आएगा? ये किरण चौधरी ले आएगी और कोई नहीं। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, शैलजा वो भी लाइन में, वो भी कहते कि हम सीएम बनेंगे। नहीं, किरण चौधरी ले आएगी, भिवानी में तो चौधरी किरण चौधरी की होगी, ये कर सकती है। मंत्री के तौर पर चौधरी होगी या सीएम के तौर पर? सीएम के तौर पर ये भला कर सकती है भिवानी का, और भला नहीं कर सकता कोई। यानी कि जो लोग हैं वो काफी आश्वस्त है जो यहाँ पर प्रदर्शन में किरण चौधरी के, शैलजा के, रणदीप के, यानी कि SR की जो तिगड़ी यहाँ पर प्रदर्शन आज करने वाली है, उसको लेकर जो हजारों की संख्या में लोग आए, उन सबको लगता है कि इस बार बदलाव होगा। लोग जो है वो महंगाई से, बेरोजगारी से, भ्रष्टाचार से परेशान है और ऐसे में जो है जब कांग्रेस की सरकार आएगी तो किरण चौधरी जो है निश्चित तौर पर भिवानी की जो पुरानी चौधरी थी उसको लेकर आएगी। अब ऐसे में देखना होगा कि आने वाले समय में जनता किसके सिर पर ताज बांधती है और उसके बावजूद अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो चौधरी किसके हाथ आती है, ये आने वाले समय में देखने वाली बात होगी। हरियाणा तक के लिए कैमरा पर्सन अमन कुमार के साथ जगबीर घणघस।